हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेनली आपके जो रामसर साइट्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर की वीडियोज़ को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि जो आपकी सारे डिप्लोमा के कोर्सेज चल रहे हैं वो एज़ इट इज़ चलेंगे। इसके साथ साथ हम नई सीरीज़ ये लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर की वीडियोस में डिस्कस करूँगी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं बनाऊँगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के प्रमुख रामसर साइट्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम प्रमुख रामसर साइट जो 2019 से 20 के बीच में आपके रामसर साइट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो मेन हैं, यानी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, या तो SSC CGL हो, CHSL हो, या फिर आपका NTPC हो, या आपका ग्रुप डी हो, तो ये सारे एग्ज़ाम में, लगभग सभी एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस में हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रामसर साइट। तो कौन कौन से रामसर साइट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा है तसोकर झील। तसोकर झील जो है वो लद्दाख में स्थित है। तो आपको प्लेस पता होना चाहिए कि भारत के अंदर कितने आपके रामसर साइट हैं कुल और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो पहला है आपका तसोकर झील, ये आपका लद्दाख में स्थित है। फिर है सूर सरोवर, जिसे हम कीथम झील भी कहते हैं। तो सूर सरोवर या कीथम झील जो है वो कहाँ है, वो है आगरा में। और आगरा कहाँ स्थित है आपका, आपको पता है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा ज़िले में आपका सूर सरोवर कीथम झील जो है वो आपका रामसर साइट के रूप में वहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर है लोनार झील। लोनार झील जो है वो आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका रामसर साइट है, जो आपका बुलढाड़ा महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है काबरताल झील। काबरताल झील बेगूसराय बिहार में स्थित है। फिर है आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य नेक्स्ट है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य सतलज नदी क्षेत्र के में स्थित है और ये पंजाब राज्य में है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये आपका उन्नाव में स्थित है, ठीक है। पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य जो है वो गोंडा में स्थित है और ये गोंडा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो गोंडा में स्थित है आपका पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य। फिर है समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, रायबरेली में है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो समसपुर याद रखिएगा, पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। सैंडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई नामक स्थान पे है। तो हरदोई में आपका सैंडी पक्षी अभयारण्य है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर है सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है नंदूर मध्येश्वर पक्षी अभयारण्य नासिक में आपका स्थित है और ये आपका महाराष्ट्र ज़िले में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है केशवपुरा मियां समुदाय आरक्षित, ये आपका स्थित है पंजाब राज्य में गुरदासपुर में। तो गुरदासपुर में पड़ता है आपका केशवपुरा मियां समुदाय आरक्षित, ये आपका प्रमुख रामसर साइट है भारत का। फिर है व्यास संरक्षण रिजर्व जो है वो पंजाब में स्थित है। अब कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में रामसर साइट से रिलेटेड पूछे जाते हैं।
तो चलिए पहला देख लेते हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो जो आपका आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो ईरान के शहर रामसर में हुआ था, और कब हुआ था, 1971 में हुआ था। रामसर कन्वेंशन के नाम ने काम करना कब शुरू किया, तो रामसर कन्वेंशन काम करना शब्द कब शुरू किया था, 21 दिसंबर 1975 से, यानी 21 दिसंबर 1975 से आपका रामसर कन्वेंशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था काम करना। वर्तमान में रामसर कन्वेंशन में शामिल देशों की कुल संख्या कितनी है, तो ये भी बहुत ही पूछा जाता है, रामसर कन्वेंशन में शामिल देशों की कुल संख्या 175 है, ठीक है। भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ था, तो भारत जो है वो 1 फरवरी 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या, तो आपको पता होना चाहिए भारत में वर्तमान में कुल 42 आपके रामसर साइट्स हैं, कितने हैं, 42 रामसर साइट्स हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश आपका आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में आपके कुल 8 रामसर साइट स्थित हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल, तो रामसर सूची में जो सबसे पहले आपका वर्ल्ड में जो इंक्लूड किया गया था वो है कोबर्ग प्रायद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये आपका रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल है। अगर आपसे भारत में पूछा जाए तो भारत में आपका पहला स्थल जो है वो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील जो है वो पहला रामसर साइट है जो भारत में आपका स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल सुंदरवन को कहा जाता है, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल, सबसे बड़ा तो सुंदरवन है, सबसे छोटा है रेणुका जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल जो है वो हरिके बैराज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये सारे जो आपको मैंने 15 लगभग ये आपके डिस्कस किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही है। इसके साथ साथ कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, ये भी आपको एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो, इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉमेंट में बताएं मुझे, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप आगे की वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।